नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार। मैं गोपाल कश्यप अपनी पूरी टीम रितेश झा बम बम झा के साथ अभी बांका जिले के अंतर्गत फुल्ली डूमर प्रखंड में पड़ने वाला सैदपुर पंचायत ग्राम पंचायत सैदपुर के वार्ड संख्या 7 में मौजूद हूं, जहां मेरे सामने निवर्तमान वार्ड सदस्य मुनिलाल यादव जी बैठे हुए हैं। बहुत ही मृदुभाषी हैं, सीधे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ इनके अंदर जो देखने को मिली इस वार्ड के अंदर कि किसी भी अपने पंचायत के अंदर जो जनता है उन्हें अगर कोई कठिनाई आती है, कोई दुख आता है, यहाँ तक कि अगर किसी के घर के अंदर कोई जो यहाँ मौत होती है, जो देहांत जो होता है, तो देहांत के बाद उनके डेड बॉडी को ये जो यहाँ सुल्तानगंज तक ले जाया जाता है अंतिम संस्कार के लिए, उसमें यह सहयोग करते हैं। मतलब एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान इन्होंने बनाया है। वार्ड सदस्य सिर्फ इनका एक तमगा है। जो भी वार्ड में योजनाएं आती हैं वो योजना ये धरातल को उतारने की कोशिश करते हैं। आइए मैं इनसे सर्वप्रथम परिचय लूँगा। इस बार भी ये मैदान में हैं इस पंचायती चुनाव में। इस बार इन्हें घड़ा छाप मिला है और यह क्रमांक संख्या 3 पर है। जैसे ही इनसे मैं बात करूंगा प्रदेश समाचार की माध्यम से, आपको भी समझ में आएगा कि ये कितने मृदुभाषी हैं और कितने शांत स्वभाव के हैं। आप सर्वप्रथम अपना नाम बताएंगे। मुनिलाल यादव। गांव सादपुर। पंचायत सादपुर। प्रखंड जिला। अब विगत 5 वर्षों का आपका कार्यकाल समाप्त हुआ, पानी टंकी बनी, पानी भी मिल रहा है, सड़क गली नली में थोड़ा काम कम दिखा, आपने सुना पैसा इन्हें मिला ही नहीं, फंड इन्हें आया ही नहीं, तो ये कहाँ से काम करेंगे। ये एक सोचनीय बात है बिल्कुल, क्योंकि कोई भी वार्ड सदस्य बहुत अधिक जो है वो अगर कहा जाए तो अपना उसका अकाउंट जो होता है उसमें खासा पैसा नहीं रहती है। सरकार की योजना के तहत जो फंड आता है, जो पैसा आता है, उसी से वो काम करवाते हैं। और इनका कहना है कि कोई भी काम का फंड पैसा नहीं आया, जिसकी वजह से मैं थोड़ा पिछड़ा रहा। लेकिन एक वार्ड सदस्य के रूप में मैंने अपने इस वार्ड संख्या 7 में आवास योजना के तहत 69 लोगों को आवास मुहैया करवाया है, जिसमें 32 लोग जो हैं ऑलरेडी, वो आचार संहिता अगर लागू नहीं होती तो ये 69 प्लस 32 लोग हो जाते। ये एक सराहनीय काम है। शौचालय इन्होंने तकरीबन 200 लोगों का कंप्लीट करवा लिया है, ये भी एक सराहनीय काम है। शिक्षा के क्षेत्र में आंगनवाड़ी और प्राथमिक विद्यालय है यहाँ, जहाँ ये स्वयं जाते हैं। और जी हम स्वयं जाते हैं, पर देर जाना आना होते हैं और देख रेख भी होता है। अच्छी व्यवस्था है इनका कहना है, वहाँ का पोषा आहार भी ठीक होता है। स्वास्थ्य व्यवस्था में उप स्वास्थ्य केंद्र की इस पंचायत में कमी है जी। सिर्फ एक जो है वो वार्ड नंबर 12 में है, पिरोटा में है जी। तो और यहाँ की जो है वोटर की संख्या 700 है, यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र होना अनिवार्य है। ये एक इनके दिल में कचोटता है कि मैं अपने वार्ड रहते जो है इस वार्ड में नहीं ला सका, फिर भी मेरा प्रयत्न रहेगा कि मैं अगर चुनकर फिर से आता हूँ तो इस वार्ड को एक उप स्वास्थ्य केंद्र। आपने वैक्सीनेशन करवा लिया है जी, दोनों डोज लिए? एक लिए जी। और कितने लोगों को प्रेरित किया होगा? सब करीब करीब हो गए, 90% हो गए। यानी 90% प्लस, जो एक गौरव का विषय है, इसमें भी इन्होंने अच्छा योगदान दिया है। एक तरीके से अगर कहा जाए तो मुनिलाल यादव जी अपने वार्ड 7 के लिए जो काम आया उस काम को इन्होंने ईमानदारी के साथ किया। इस बार घड़ा छाप के साथ हैं, क्रमांक संख्या 3 पर हैं। एक बगल में हमारे इस गांव के वाशिंदे हैं, मैं उनसे नाम जानना चाहूँगा। अपना नाम बताइए। रामसाई यादव। थोड़ा सा यादव जी देखें, काम में ढिलाई आपके 7 नंबर वार्ड में, कारण क्या था? काम में सर यही कारण था, ऊपर से जो काम
मिला वार्ड सदस्य को, वो काम किया और बखूबी हर जितना उनको होना चाहिए जनता को मतलब लाभान्वित करने के लिए या इसका जो प्रदर्शन है वो अपना ठीक ठाक सब किए हैं। हाँ। और जो कुछ मिलवे नहीं किया है तो वो कहाँ से हो। सही बात है, यानी कि जो पैसा ही नहीं आया तो वो काम कहाँ से हो, कहाँ से होगा सर। बात बाकी जितना था, शौचालय था, आवास था, पेंशन था, पेंशन ये सब खूब दिल खोल के। हाँ, सुना आपने यादव जी को, दिल खोल के इन्होंने काम किया है, जो इनके लक्ष्य में था, जो इनके हाथ में था, उस काम में इन्होंने ढिलाई नहीं की। लेकिन जहाँ फंड की बात आती है तो स्वयं जो है ये एक मध्यम परिवार से हैं, किसान आदमी हैं, छोटे किसान हैं, तो स्वाभाविक है कि जब तक फंड की राशि नहीं आएगी तो काम कैसे दिखेगा। फिर भी मैं अंत में इन्हें इसी अभिलाषा के साथ कि फिर से आप आए पंचायती चुनाव के अंतर्गत अपने वार्ड 7 के वार्ड सदस्य के रूप में, घड़ा छाप है, 3 नंबर क्रमांक है, अपने वक्तव्य को ही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क, और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।